हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में, जहां हम दोबारा से लेके आ गए हैं वन स्टेट आरपी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर दें, सिर्फ एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का। दोस्तों, आज ये देखो, ये तो बगल में जो मेरा दोस्त है ना, ये है एंथनी एडवर्ड, और ये मुझे ना हर वक्त किलसा ही रहा होता है अपने नए नए इमोट्स के साथ, और मैं भी इसे अपना नया इमोट दिखाता हूँ एक। ये देख, वैसे ही शायद इसके पास है नहीं, लेकिन हाँ इसका मूव थोड़ा कूल है, तो ये मुझे बहुत किलसाता है। तो वैसे तो आज मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ किसी एक चीज़ जो मैं बहुत मेहनत से लेके आया हूँ, तो वो जो चीज़ है वो हमारा पार्किंग में हमारा वेट कर रही है। तो मैं फटाफट चल के आप लोगों को वो दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। वैसे तो वो एक कार है, लेकिन वो एक सरप्राइज़ है कि वो कौन सी कार है। तो बस फटाफट चल के मैं आज की वीडियो में आप लोगों को वही दिखाऊँगा, और वो कैसे आई, कितना खर्चा आया, सब कुछ बताऊँगा। और पहले तो ना ये इसका डांस बंद करवाओ, बंद कर। से देख रहा हूँ नाचे जा रहा है। हाँ, इमोट मिल गया तो किलसा आ रहा है। खैर, तो चलो फटाफट हम पार्किंग पे चलते हैं, और मैं आप लोगों को अपनी नई कार दिखाता हूँ कि वो कौन सी है। खैर, वैसे तो वहाँ पे एक थोड़ा ना एक सीनियर, ये देखो वहाँ पे एक सीनियर खड़ा है, तो हो सकता है वो बोले मुझे, तो बस मैं फटाफट निकाल के ना आप लोगों को दिखा दूंगा, और उसके बाद मैं उसको गायब कर दूंगा। तो चलता हूँ, इसे भी लेके चलता हूँ। चल पार्किंग पे। चलो, तो मैं फटाफट पार्किंग पे पहुंचता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ वो कार। देख रहे हो, यही वो बंदा है डेक्स्टर नील, मगर अच्छा बंदा है, और मतलब ये मुझे जानता है और मैं भी इसे जानता हूँ। इसकी कार देखो भाई, और अभी ना ये यहाँ का मतलब एक DFG की से पोस्ट मिल गई है जो हमें प्रमोशन देता है। तो पहले क्या था ना, कि पहले कोई और बंदा था, कई लोगों ने ऐसे करके कुछ नाम था उस बंदे का, तो वो हमें परमिशन मतलब वो हमें प्रमोशन देता था, लेकिन अब ये बन गया है। तो लेकिन प्रमोशन में ना बहुत तगड़ा इंटरव्यू होता है, जिसमें ना बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं उस hey, you wanna race? नहीं, ये लोग पगले हैं। तो अब इसे थोड़ा दूर जाता हूँ। तो अब सीन क्या है ना, मुझे वो इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बंदा है मुझे डायरेक्ट प्रमोशन दे देगा, समझ लो तरीके का जुगाड़। तो खैर, वो बात रही दूसरी, हम यहाँ जिस चीज़ के लिए आए थे, मैं वो चीज़ आप लोगों को फटाफट दिखाता हूँ कि क्या है वो चीज़ जिसके लिए मैं इतनी देर से मतलब इंतज़ार कर रहा हूँ। तो फटाफट पहले तो मैं उस चीज़ को बाहर निकालता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, वो चीज़ बाहर आ चुकी है, और बस कुछ ही देर में आप लोगों की आंखों के सामने होगी। तो पहले तो आज जैसी, ये तो किसी और की कार है, तो बस मैं आप लोगों को फटाफट वो कार दिखाता हूँ कि किस चीज़ के लिए मैं इतना खुश हूँ आज। तो ये है वो कार जिस पे मैंने लगाए हैं 9 मिलियन स्टेट बक्स। जी हाँ, बिल्कुल, और ये स्टॉक है, इसमें कोई पार्ट्स नहीं लगे हैं, क्योंकि ये मैं बहुत ढूंढ रहा था, तो मुझे मिल नहीं रही थी, और हर जहाँ पर मिल रही थी 10 मिलियन 11 मिलियन बंदे मांग रहे थे। तो वो तो मुझे एक बंदा आर्मी में ही मिल गया, जो इसके 9 मिलियन देने के लिए मतलब 9 मिलियन में देने के लिए तैयार था। तो मैं फटाफट गया, मैंने कहा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं आएगी। लेकिन अभी एक बंदा और है जो बेच रहा है 9 मिलियन में, तो उसके लिए मैं खुद कस्टमर ढूंढ रहा हूँ। उस बंदे ने बोला है कि मुझे कस्टमर ढूंढ के दो। तो और पहले तो इसकी साउंड सुनो, इसका साउंड सुनो, अच्छा है, काफ़ी अच्छा साउंड है, और काफ़ी बढ़िया लगती है। मतलब जो कार का लेंथ है, देख रहे हो, मतलब लगभग बराबर ही लग रही है उस, ये जो बड़ी सी कार है, और फोर सीटर है। मैंने तो अब ध्यान दिया कि ये फोर सीटर कार है। ये तो सही है, मतलब मेरे को तो लगा था कि हम दो बंदे घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ बैक में भी सीट है और ये खुलती भी है। ओ भाई, इंटीरियर काफ़ी सही लग रहा है मुझे, लेकिन हाँ स्टॉक है, तो अभी इसके जो रिम्स विम्स हैं बहुत ही लो क्वालिटी के हैं, तो मैं इसे ले जाऊँगा और चेंज कराऊँगा। और अब बात रही पैसे की, लेकिन उससे पहले हम बेस के अंदर चलते, इससे पहले डेक्स्टर ने देख लिया तो वो मुझे बोलेगा। तो चल के फटाफट गाड़ी को डिस्पॉन कर देते हैं। तो हम आ गए मिड में, और रुक जा, मैं उतार रहा हूँ, बच गया, अभी गिरा देता मुझे। तो खैर, ये जा रहा है अपनी आईडी चेंज करने, इसने मुझे पैसे दिए थोड़ा, तो उसकी दूसरी आईडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो खैर वो कर देंगे। लेकिन उससे पहले मेरी कार वहाँ पर कोई देखे, मैं उसे फटाफट डिस्पॉन कर देता हूँ। वो चलते हैं फटाफट AP, क्योंकि वहाँ से नियरेस्ट पार्किंग नीचे ही है ग्राउंड पर, तो वहीं पर मेरी गाड़ी स्पॉन हो जाएगी और वहाँ से हट जाएगी, तो कोई देख भी नहीं पाएगा। और ये इतना लैग क्यों करने लगा आजकल, एक मतलब मैं एक दो दिन से देख रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही लैग करने लगा है। और तुम लोग देखोगे ना, आर्मी में ना हर संडे, सैटरडे और नहीं फ्राइडे और सैटरडे
नए के नए 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 बंदे हायर किए जा रहे हैं बंदे। सही है यार, हद है। देखो तुम्हें वो दिखाता हूँ, फैक्शन में ऑफिसर्स दिखाता हूँ। 56 दोस्त, 278 ऑफ मतलब बंदे हैं, सोच सकते हो। खैर हमारी गाड़ी तो हो गई। अब मेरे पास पैसे कहाँ से आए 9 मिलियन, मैं वो भी बताता हूँ। मेरे पास दो कार्स थी, रुक जाओ उसको मैं थोड़ा ऑफ कर देता हूँ इंजन को, तो अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ इवैकुएशन में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पहले मेरे पास दो कार्स थी, एक थी रेंज रोवर टाइप और एक थी डीनो। तो उन दोनों को मैंने बेच दिया, जिससे मुझे 1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। और ये मैं इसको ऑन क्यों कर रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे पास 9.8 मिलियन आ गया था। तो जो कार थी मैं ढूंढ रहा था, कोई बंदा 10 में कोई 11 में ऐसे बेच रहा था, तो बहुत ढूंढा ढाड़ा। तो एक मतलब आर्मी में एक बंदा था जो मुझे मिल गया, वो 9 मिलियन में सेल कर रहा था। तो मैंने उसे 9 मिलियन से मतलब फटाफट गया मैं उसे लेके आया। खैर अभी भी एक बंदा है, तो उसके लिए भी कस्टमर मुझे ही ढूंढना। उस बंदे ने बोला कि प्लीज़ यार हेल्प करो, तो मैंने बोला ठीक है मैं बता देता हूँ अगर कोई लेगा तो। तो खैर अभी मेरा जो दोस्त था जो भी मेरे ठीक साथ में ही था, वो अभी आ रहा है, उसे थोड़े पैसे ट्रांसफ़र करने अपनी दूसरी आईडी में शायद, क्योंकि उस ये देखो आ रहा हूँ भाई। तो उसे थोड़े पैसे ट्रांसफ़र करने, क्योंकि ये ना उस आईडी से सिर्फ फाइट करता है और ये मतलब उसमें गैंग में है, तो इस वजह से इसे पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। WG तो ये भी आया, मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तू कहाँ है भाई? ओ रुक जाओ, नहीं इंजन बिना आर्मी के अंदर, वैसे मेरे सर्वर में, मुझे नहीं पता यार हर सर्वर में क्या रूल है, लेकिन मेरे सर्वर में यू अर्न अ रिवॉर्ड। कौन सा रिवॉर्ड मैंने कौन सा रिवॉर्ड अर्न करा भाई, हमें बताओ ज़रा। फैक्शन में हो सकता है क्या? अच्छा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, तो ये है वो अवार्ड। अभी मेरा दोस्त आ रहा है, तो तब तक हम वेट करते हैं उसके आने का। तो दोस्तों आप लोग बताओ यार, आप लोगों को वो कार कैसी लगी, और नेक्स्ट कार मैं कौन सी लूँ? मैं ना एक वो सोच रहा हूँ, 2 सीटर ऑडी टाइप, जो ऊपर से जिसकी रूफ़ खुली होती है, मैं वो लेने की सोच रहा हूँ। लेकिन वो ना उसका लुक मुझे थोड़ा अच्छा लगता भी है और नहीं भी, क्योंकि ना हाँ मतलब लेजिट बात बताता हूँ, 60% मेरे को ऐसा लगता है कि वो कार मुझे अच्छी नहीं लगती, उसका शेप मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन 2 सीटर और फास्ट कार है, लाइक जैसे उस ऑडी की तरह, तो मैं मेरा मन कर रहा है कि मैं ले लूँ। तो आप लोग बताओ मैं नेक्स्ट कार कौन सी लूँ, या तो वो लूँ या एक कैडी आती है, मतलब कैडी करके हो सकता है, अगर मेरा दोस्त अभी आए तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि उसके पास कौन सी कार है। तो वो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी कार ना मतलब बजट में आ जाती है, लाइक ये क्या है, गो टू क्लॉक आउट सर। हाँ जा भाई, जहाँ जाना है बोल दे। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो वाली कार ले लूँ, वो आएगा तो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो कौन सी कार है। और अब मैं अपनी कार की रेपुटेशन दिखाना तो भूल ही गया, मतलब स्टॉक है तो अभी कुछ खास रेपुटेशन होगी नहीं। तो ये देखो 8750 रेपुटेशन है, और मेरे पास क्या नाम है, पार्ट्स हैं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा लगाने का। मैं सोच रहा हूँ थोड़े नॉर्मल पार्ट्स लगा दूंगा, क्योंकि पार्ट्स मेरे को सेल करनी नहीं, मुझे अपने पास ही रखनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना ही लगाऊं, और मैं पार्ट्स मतलब नॉर्मल अपने बिजनेस के लिए रखूंगा, ताकि पावन यस सर भाई कसम से, एक सेकंड के लिए ना बंदे ने तो डरा ही दिया। मतलब ऐसा सीन था ना कि बस मतलब मैं खड़ा होकर तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, और मतलब उसमें चेक कर रहा था ना, तो उसे लगा कि बंदे यहाँ पे ना AFK के कुछ ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्मी में ऐसा सीन है कि हमें हर आधे घंटे पे सैलरी मिलती है, तो बंदे उस चीज़ के लालच में ना AFK चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, अगर तुम AFK गए तो तुम्हें सीधा आर्मी से निकाल दिया जाएगा। तो इस वजह से वो बंदा आके मुझे पूछा था, क्या तुम यहाँ पे हो? तो मैंने बोला हाँ मैं हूँ, यहीं पे हूँ। तो बस वो इसीलिए चेक कर रहा था, भाई मेरे से सीनियर है, वो ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। और यहाँ पे देखो वो एक बंदा ना स्टिल तब से ऐसे का ऐसे ही खड़ा है, शायद उसने उससे भी पूछा होगा, जाओ चेक करता हूँ, शायद पूछा हो कि ना पूछा हो, खैर जाने दो। अब ये मेरा दोस्त पता नहीं कहाँ रह गया, मैं इतनी देर से उसका वेट कर रहा हूँ। तो ये है उस बंदे की दूसरी, और ये मुझे क्यों भेज रहा है भाई, यूनुस खान वांट्स टू शो यू देयर व्हीकल स्पेक्स। अच्छा मुझे दिखा रहा है, ओ भाई साहब अच्छे खासे हैं। अच्छा ये डीनो है, यही तो था मेरे पास, लेकिन जिसे मैंने सेल कर दिया। खैर जाने दो, मैं इसे पैसे ट्रांसफ़र कर देता था, और आप लोग भी देख लो कैसे पैसे ट्रांसफ़र होते। 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, पर्सन पे क्लिक करना है, फिर मनी ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, और उस पर्सन को सिलेक्ट करना है। और किसका मैसेज आ रहा है भाई, मैसेज मत करो, जेरा यूनुस खान, और इसको मैं भेज सकता हूँ 60K। भेजा, अब मुझे 1 मिनट का मतलब टाइमर है, उसके बाद ही मैं अगली पेमेंट कर सकता हूँ। और देखो 3.2 मिलियन मांग रहा है। मैंने उसे ना मैंने अपनी वाली बेची है 2.4 या 5 समथिंग में बेची है स्टेट को, और ये तो सीधा बंदे को ही भेज रहा है, इस वजह से महंगी बता रहा है। खैर जाने दो,
मैं से फटाफट बाकी पेमेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है वो कार जैसे मैं सोच रहा हूँ लेने की। और यहाँ पे बैग में देखोगे ये कौन सी है, ये भी डीनो की तरह ही लगती है, पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता। और ये पीछे हमारी खड़ी है एक सुपरा, और वहाँ सबसे पीछे हमारी खड़ी है एक सूबी, खैर उसे जाने दो। लेकिन ये सुपरा भी ठीक है, लेकिन ये शॉप पे अवेलेबल है तो मैं शॉप की कार मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं क्रेट कार्स के पीछे पड़ा हूँ। और ये कौन सी है, ये भी शॉप पे आ रखी है। अगर इसे मैक इसकी मैक्स बॉडी किट देखोगे ना, रुक जा मेरे भाई रुक जा। तो हाँ, इसकी जो मैक्स बॉडी किट है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर एक देखी है मैंने सिटी में, है एक बंदे के पास, तो तुम ही लोग देखो कि ये भी अच्छी है। लेकिन बस शो पीस है और शॉप पे अवेलेबल है तो मेरे को चाहिए नहीं। और मेरा दिमाग ना इस कार के पीछे, क्योंकि ये ना बड़ी है, देख रहे हो, मतलब साइज़ देखो, अंदर बैठ के दिखाता हूँ, अंदर बैठ के देखो, मतलब साइज़ में मैंने ड्राइव कर रखी है। और इसके जो मतलब ये देखो रेम्स वेम्स काफ़ी अच्छे हैं। और एक तो मैंने पर्पल कलर की देखी है सिटी में, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो मेरा दिमाग ना इस गाड़ी के ऊपर भी घूम रहा है कि मैं इसे ले लूँ। तो आप लोग बताओ कि यार मैं क्या करूँ। मन तो कर रहा है कि मैं इस कार को ले लूँ, मतलब दो तीन चॉइस है, एक ये कार है, एक टू सीटर ऑडी है, और बस ऐसी दो ही तीन गाड़ी है। सुपर उपरा तो मैं नहीं लेने वाला। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओ कि यार मैं नेक्स्ट कार कौन सी लूँ। वैसे फ़िलहाल अभी पास पैसा कम है, लेकिन मैं कर लूँगा जल्दी से। और मेरे को मेरी नई कार आप लोगों को कैसी लगी मैं दोबारा दिखा देता हूँ। आ जाओ फटाक से बाहर। इसका नाम क्या रखूँ यार, कोई नाम बताओ कि इसमें। अरे ये बंदों ने भी ख़तरनाक गाड़ी लगा रखी है ना यहाँ पे, मॉन्स्टर ट्रक जैसा। हाँ तुम लोग बताओ इस कार का क्या नाम रखूँ। मेरा मन कर रहा है कि इसको ना इम्पाल यानी कुछ तगड़ा ही नाम देते हैं। तो खैर दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था, अगर आशा करता हूँ लोगों को। अरे कार्स तो दोस्तों मुझे नहीं पता क्या चल रहा है यहाँ आर्मी बेस पे एक दो दिन से, क्योंकि जब से कुछ नए नए बंदे पोजीशन पे आए ना, मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, कि स्ट्रिक्टनेस ना कुछ ज़्यादा ही लोगों ने बढ़ा दी है। क्योंकि पहले तो ना प्लेयर्स पार्किंग तक जा सकते थे, जो मर्जी करो लेकिन पार्किंग के पास करो, इतना मना नहीं था। लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस हो रही है धीरे धीरे, तो इस वजह से वहाँ से मुझे आना पड़ा। क्योंकि बोल रहे हैं कि कार स्पॉन्स मत करो, डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरी नई कार आप लोगों को कैसी लगी, और कमेंट में बता देना, नई कार का सजेशन दो यार, क्या कौन सी कार लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।